नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। भाइयों, कई भाई फोन कर रहे हैं कि मैं अभी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। भाई, थोड़ा सा स्वास्थ्य से हल्का सा ग्रसित हूँ अभी भी। बीच में थोड़ा आराम मिला था, लेकिन फिर से पता नहीं यार, ये कौन सा वायरस आ गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं दो दो तीन तीन सिरप पी चुका हूँ, जाने कितनी दवाइयाँ खा चुका हूँ। लोगों ने कहा ये क्या होता है, इसको देखो, दिखाता हूँ आपको। स्टेफलिस पता नहीं क्या है, ये देखिए, ये पूरा पत्ता लाया कि इसको खाने से खांसी में आराम मिलेगा, पर भैया आराम कुछ नहीं मिला। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं, यहाँ पर कई लोग ऐसे शहर के अंदर हैं जो इससे ग्रसित हैं, और कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो भाइयों, बस आपको एक संदेश देने के लिए ही फोन किया है कि आप लोग अभी गांव में हैं तो सभी से एक ही चीज कहना है कि देखिए, अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि जुकाम या खांसी आ रहा है, तो आप शुरुआत में ही उसको किसी अच्छे से डॉक्टर को जरूर दिखा देना। क्योंकि तो मैंने थोड़ा आलस कर लिया, मुझे लगा हर बार की तरह होगा, तो मैं गर्म पानी का सेवन करके एडजस्टमेंट करने की कोशिश की दो तीन दिन, लेकिन नहीं सुधार जब दिखा तो फिर दवा लेने गया डॉक्टर से। अब दवा ले ले के खा खा के पागल हो रखा हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आज मैं फिर से अब जा रहा हूँ दवा लेने। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये स्थिति आपके साथ ना हो, क्योंकि ये कोई अलग ही वायरस है जो कि खांसी को बिल्कुल रोकथाम नहीं करने दे रहा है। इसके साथ साथ ऊबन जैसी होती है सांस लेने में। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, माता रानी की कृपा रहेगी तो दवा भी काम करेगी, सब करेगा। कभी कभी होता रहे कि नए नए, वैसे भी आजकल वेरिएंट और दुनिया के वायरस आते हैं, तो थोड़ा आप लोग अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। ये आप लोगों से भी निवेदन रहेगा, क्योंकि ये कभी कभी वायरस आते जाते रहते हैं। भाइयों, एक ही बात कहूंगा कि सही चीजें दिखाना हमारा काम है, और मैं वही कर रहा हूं, लेकिन सही चीजों के हमारे वीडियोज को रोक दिया जाता है और उन वीडियो को चलने नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम बहुत मजबूर हैं, हमें ये देश के नेता लोग और अधिकारी कहीं ना कहीं सही चीज दिखाने के लिए कभी नहीं चाहेंगे कि मैं दिखाऊं, हमेशा मुझे गलत रास्ता बताते हैं। भैया, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि सच खाऊं, सच पीऊं और सच में लगूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जमीन का सच दिखा सकूं या कुछ भी कर सकूं, हालांकि मैंने उस वीडियो को वायरल तो कर ही दिया है, व्हाट्सएप के द्वारा मैंने खूब शेयर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि पर्दाफाश होगा। फिलहाल सरकार जांच उस पर डाली है, देखते हैं जांच में क्या निकलता है। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मेरा आप लोगों से बस ये अपील मैं करूंगा कि अगर आप सच में ये चाहते हो कि मैं ईमानदारी से पत्रकारिता करूं और आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी देता रहूं, आपके हित की बात करूं या अच्छी चीजें मैं आपके लिए करूं, तो भाई इस चैनल को सपोर्ट जरूर दीजिए। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो ये चैनल भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आपके लिए कोई आवाज नहीं बनेगा। इतना मान लीजिए, कोई आवाज आपके लिए नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी ये सालों साल की मेहनत में पानी अगर फिर गया ना, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितना हो सके चैनल को सपोर्ट जरूर देना। मैं कभी नहीं कहा, पर अब जरूर कह रहा हूं, क्योंकि जब मेरे वीडियो रोके जा रहे हैं तो यहां से जरूर पता चल रहा है कि यहां पर नेताओं अधिकारियों की हमारे चैनल पर नजर पड़ चुकी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं इस चैनल पर। भैया, आप लोगों से निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट दे और हमारे वीडियो को तुरंत वायरल कर दिया करे, शेयर कर दिया करे। इससे ये होगा कि अगर चैनल से वीडियो हटा भी दिया जाएगा, लेकिन लोगों तक जानकारी पहुंच सकेगी। ये थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, आप जो अपील कर रहा हूँ छोटी सी। बाकी जल्दी ही मिलता हूँ, जैसे ही आराम मिलती है नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई अपडेट लेकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।